हाँ देखें, हमने क्रूसी फेरी फैमिली के पार्ट वन में यहाँ तक छोड़ा था, हाइपोगाइनस फ्लावर तक। अब हम क्रूसी फेरी फैमिली का पार्ट टू देख रहे हैं। उसमें हमने देखा था, हमने ये बताया था कि फ्लावर हाइपोगाइनस होता है इसका। मैं आपको एक और बात बता दूँ, फ्लावर हाइपोगाइनस किसे कहते हैं। फ्लावर वैसे तीन प्रकार के होते हैं, हाइपोगाइनस, इपीगाइनस और पेरीगाइनस। तो इसमें फ्लावर कैसा होता है, हाइपोगाइनस होता है, तो ओवरी सुपीरियर होगी। हम आपको बताएंगे फ्लावर हाइपोगाइनस क्या है, हमारा एक वीडियो है उसमें आप देख सकते हो फ्लावर हाइपोगाइनस क्या है। और इसमें जो है ये फ्लावर जो होता है ये ई ब्रैक्टिएट होता है, यानी इसमें ब्रैक्ट नहीं पाए जाते हैं, ई ब्रैक्टिएट है। तो फ्लावर पेडिसलेट, बाइसेक्चुअल, एक्टिनोमार्फिक, टेट्रामिरस, हाइपोगाइनस और ई ब्रैक्टिएट। हाइपोगाइनस का मतलब होता है ओवरी सुपीरियर। हमारा एक वीडियो है उसमें हमने तीनों फ्लावर के बारे में बताया है, हाइपोगाइनस, इपीगाइनस और पेरीगाइनस, तीनों क्या कहते हैं। ठीक है, तो फ्लावर हो गया। उसके बाद होता है कैलिक्स। कैलिक्स, कैलिक्स आप सभी जानते हो, कैलिक्स कहा जाता है, कैलिक्स की यूनिट जो होती है उसे सेपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स की यूनिट को सेपल्स कहते हैं। तो कैलिक्स कितने हैं, फोर। कैलिक्स कितने होते हैं, इसमें सेपल्स हैं फोर, सेपल्स फोर। ठीक है, सेपल्स फोर। ठीक है, कैसी कंडीशन होती है, पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस का मतलब होता है जुड़े नहीं है, सेपल्स जो हैं वो जुड़े नहीं है, उनको बोलते हैं पॉलीसेप्लस। तो इसमें सेपल्स चार होते हैं, पॉलीसेप्लस होते हैं, और ये दो रिंग में व्यवस्थित होते हैं, अरेंज इन टू होर्ल, अरेंज इन टू होर्ल, अरेंज इन टू होर्ल, टू होर्ल। कितने में व्यवस्थित हैं, टू होर्ल में व्यवस्थित हैं, अरेंज इन टू होर्ल ऑफ टू ईच। क्या होते हैं, दो, दोनों दो दो के व्यवस्थित हैं, दो मतलब दो चक्र में हैं और दो दो हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं कोरोला। क्या होते हैं, कोरोला। कोरोला का मतलब होता है पेटल्स। ठीक है, इसमें भी पेटल्स कितने होते हैं, फोर। पेटल्स कितने, फोर। कैसी कंडीशन है, पॉलीपेटलस। कैसी कंडीशन है, पॉलीपेटलस, मतलब ये पेटल्स जुड़े नहीं है, इसमें भी पेटल्स कैसे हैं, अलग अलग हैं, पॉलीपेटलस। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि चूंकि फैमिली ब्रैसिकेसी जो है ये पॉलीपेटली की फैमिली है। किसकी फैमिली की है, तो आपको वही जब हमने क्लासिफिकेशन लिखा तभी समझ में आ जाना है, आना है कि अगर पॉलीपिटेली की फैमिली है तो इसमें पेटल्स अलग अलग ही बनाना है। यदि आपने बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन देखा और आपको दिख गया कि फैमिली पॉलीपिटेली, यदि आप इसको बैक करके देखोगे तो हमने लिखा है फैमिली पॉलीपिटेली, तो इसकी इसकी सीरीज कौन सी है, पॉलीपिटेली की फैमिली है। तो पेटल्स कैसे हैं, पॉलीपिटेली मतलब पेटल्स अलग अलग हैं, तो पॉलीपिटेलस। ठीक है, और ये कैसे अरेंज होते हैं, क्रूसी फॉर्म है। कैसे हैं, क्रूसी फॉर्म। क्रूसी फॉर्म का अर्थ होता है क्रॉस लाइक अरेंज है। कैसे हैं, क्रूसी फॉर्म है, तो कैसे अरेंज होते हैं, क्रॉस लाइक, अरेंज इन ए क्रॉस, अरेंज इन ए क्रॉस। काय में अरेंज है, एक क्रॉस में अरेंज है। ठीक है, तो अरेंज इन ए क्रॉस। ठीक है, तो करोला हो गया। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस फ्लावर हो गया, कैलिक्स हो गया, करोला हो गया। उसके बाद अपन आते हैं एंड्रोसियम पे। ठीक है, उसके बाद आते हैं एंड्रोसियम और उसके बाद गाइनोसियम। ठीक है, अरेंज इन ए क्रॉस। नेक्स्ट है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम को कहा जाता है एंड्रोसियम, एंड्रोसियम को हिंदी में बोलते हैं पुमंग या पुंकेसर। एंड्रोसियम में, एंड्रोसियम की यूनिट है स्टामन। क्या है, स्टामन। स्टामन कितने हैं, सिक्स हैं, और स्टामन सिक्स हैं तो वो अरेंज कैसे हैं, टू प्लस फोर में। हमने आपको बताए थे दो बाहर वाले कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, दो बाहर वाले बड़े होते हैं, चार अंदर वाले। ठीक है, चार अंदर वाले कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये जो है अरेंज इन टू होर्ल। ठीक है, और इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा डायनेमस। क्या बोलते हैं, टेट्रा डायनेमस, डायनेमस। ये कंडीशन कैसी है, टेट्रा डायनेमस है। ठीक है, अब इसमें और क्या होता है, ये इसकी मेन विशेषता है। ठीक है, तो स्टामन सिक्स, दो और चार में, और टेट्राडाइनेमस। नेक्स्ट है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या है, गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम का मतलब क्या है,
गाइनोसियम इसमें होती है बाई कार्पलरी, कैसी होती है बाई कार्पलरी, ठीक है। बाई कार्पलरी के बाद सिन कार्पस कैसी होती है, सिन कार्पस, ठीक है। सिन कार्पस का मतलब होता है जुड़ी होना, दोनों जुड़े होते हैं। ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, ये बात याद रखना, यदि फ्लावर हाइपोगाइनस होता है तो ओवरी हमेशा सुपीरियर होती है, फ्लावर हाइपोगाइनस तो ओवरी सुपीरियर होती है, ठीक है। ये ओवरी सुपीरियर है, ये कैसी होती है, वैसे यूनिलॉक्युलर होती है, लेकिन ये एक सेप्टम बन जाता है, ये कैसी होती है यूनिलॉक्युलर, हम आपको बता रहे हैं, आप समझना थोड़ा सा, यूनिलॉक्युलर, बट क्या होता है एक सेप्टम बन जाता है, बट बिकम बाइलॉक्युलर, बट बिकम बाइलॉक्युलर ड्यू टू ए फॉल्स सेप्टम, बाइलॉक्युलर, बाइलॉक्युलर ड्यू टू ए फॉल्स सेप्टम, फॉल्स सेप्टम, और फॉल्स सेप्टम को क्या कहते हैं, ड्यू टू ए फॉल्स सेप्टम, और इसका नाम होता है रेप्लम, इसको क्या बोलते हैं रेप्लम, ठीक है। तो रेप्लम के कारण क्या हो जाती है, तो क्या होती है बाइलॉक्युलर, बाइकार्पलरी है, सिनकार्पस है, ओवरी सुपीरियर है, यूनिलॉक्युलर होती है। देखो ये मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जैसे मैंने कहा ये बाइकार्पलरी और ये जुड़ गई ये, लेकिन इसमें एक ऐसा बीच में एक सेप्टम बन जाता है, और इस सेप्टम को कहा जाता है फाल्स सेप्टम है, फाल्स सेप्टम के कारण ये बाइलॉक्युलर हो जाती है। देखो सिंपल सी बात कहें हम, ये कैसी ओवरी है, बाइकार्पलरी, दो कार्पल है, लेकिन ये कैसी है, दोनों कार्पल मिल गए, मतलब सिनकार्पस है, ठीक है। मैं आपको यहां बता देता हूं, देखो एक कार्पल, एक कार्पल, दो कार्पल है, दोनों कार्पल मिल गए, ऐसे मिल गए, ठीक है। अब दोनों कार्पल मिल गए, अगर ये दोनों कार्पल यूं मिलते हैं तो ये क्या कहलाएगी, बाई कार्पलरी, बाइलॉक्युलर, लेकिन एक्चुअल में ये क्या हो जाती है, दोनों जब कार्पल मिलते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता, यूनिलॉक्युलर हो जाती है। तो है तो ये बाई कार्पलरी, लेकिन कैसी हो गई, यूनिलॉक्युलर, एक ही लॉक्यूल है भीतर, लेकिन बाद में इसमें एक सेप्टम बन जाता है ऐसा, और इस सेप्टम को कहा जाता है रेप्लम, क्या कहा जाता है फाल्स सेप्टम है, उसको कहा जाता है रेप्लम, और रेप्लम के कारण जो ये ओवरी है वो बाइलॉक्युलर हो जाती है, कैसी हो जाती है बाइलॉक्युलर हो जाती है। तो इसमें क्या हो जाता है, एक फाल्स सेप्टम बनता है जिसे रेप्लम कहते हैं, और रेप्लम के कारण ओवरी जो है वो बाइलॉक्युलर हो जाती है, ठीक है। इसमें एक और होता है, इसमें होता है पेराइटल प्लेसेंटेशन, क्या पाया जाता है पेराइटल प्लेसेंटेशन, क्या होता है पेराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है, पेराइटल प्लेसेंटेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसका फ्रूट की बात करें तो इसमें क्या होता है, नेक्स्ट इसका जो फ्रूट है वो होता है सिलिक्यूआ या सिलिक्यूला, क्या होता है इसमें फ्रूट जो होता है, फ्रूट फ्रूट है इसका सिलिक्यूआ या सिलिक्यूला, सिलिक्यूआ और सिलिक्यूला, क्या है सिलिक्यूला, इसका फ्रूट होता है सिलिक्यूआ या सिलिक्यूला। अब अपन बात करते हैं इसका फ्रूट जो है वो है सिलिक्यूआ या सिलिक्यूला। अब हम यदि बात करें इसकी, तो इसमें होता है, इसका हम बनाएंगे डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, क्या बनाना है फ्लोरल डायग्राम, डायग्राम, ठीक है। क्या होता है इसका फ्लोरल डायग्राम, हम बड़े आराम से इसका फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, आप देखें, ठीक है। यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम देखो, यहाँ पर बनाना है चार, सबसे सबसे बाहर आएंगे इसमें क्या आएंगे, कैलिक्स, ये आ गए चार, क्या आ गए दो, इसको अपन अंदर ले लेंगे, दो दो के अरेंज में है, यहां पर दो ले लो, यहां पर दो ले लो, यहां पर दो ले लो, ठीक है। यहां पर ये दो, ये हो गए, ये है कैलिक्स, ठीक। उसके बाद होते हैं इसमें करोला, करोला, ये है एक दो तीन चार, इस तरह से होते हैं इसमें करोला, ठीक
ठीक है, ये होते हैं इसमें पेटल्स। क्या है पेटल्स? ये चार पेटल्स हैं। अब चार पेटल्स देखें, ये हैं चार पेटल्स, ठीक। उसके बाद इसमें होते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम इसमें दो तो होते हैं ऐसे बाहर, दो होते हैं ऐसे बाहर, और चार होते हैं ऐसे इसमें अंदर, एक दो तीन और चार। ये इस कंडीशन को बोलते हैं टेट्रा डायनेमस। और यहाँ पर ऐसी होती है इसमें ओवरी, ये होती है बाइलोक्युलर ओवरी। और यहाँ पर लगे होते हैं ऐसे इसमें क्या क्या लगे होते हैं, ठीक है, इसको कहा जाता है ये होते हैं, ये है इसका फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ठीक है। तो देखो ये है इसमें क्या, कैलिक्स, चार कैलिक्स हो गए, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिखें, ये फ्लोरल डायग्राम है, हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फ्लोरल फॉर्मूला देखो क्या है, ई ब्रैक्टीएट है, हमने लिख दिया था यू ब्रैक्टीएट। ई ब्रैक्टीएट के बाद कैसा है, एक्टिनो मार्फिक, फिर क्या है बाइसेक्चुअल, ठीक है, बाइसेक्चुअल के लिए ऐसा चिन्ह लगाते हैं। फिर क्या है बाइसेक्चुअल के बाद कैलिक्स, चार हैं मतलब दो प्लस दो हैं, ठीक है, करोला, ठीक है। अपन इसको थोड़ा सा बड़ा करके ले लेते हैं, यहाँ पर फ्लोरल डायग्राम की जगह पर यहाँ पर पूरा ले लेते हैं। ये फ्लोरल डायग्राम है, फ्रूट हो गया सिलिक्यूला, सिलिक्यूला, तो अपन यहाँ पर इसको पूरा ले लेते हैं। क्या होगा देखो, फ्लोरल फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या होगा देखो, ई ब्रैक्टीएट, ठीक है, ई ब्रैक्टीएट एक्टिनो मार्फिक, ई ब्रैक्टीएट एक्टिनो मार्फिक बाई सेक्चुअल, ठीक है, ई ब्रैक्टीएट एक्टिनोमार्फिक बाइसेक्चुअल, ठीक है। फिर आ जाएगा कैलिक्स टू प्लस टू, कैलिक्स क्या हो जाएगा टू प्लस टू, करोला क्या हो जाएगा चार, लेकिन कैसे हैं क्रॉस लाइक अरेंज है, कैसे हैं क्रॉस लाइक, करोला चार, एंड्रोसियम दो प्लस चार, गाइनोसियम बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। इस तरह से लिखते हैं हम फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला, ठीक है। तो फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है समझ में आ रही? तो देखो इसमें चार कैलिक्स हैं, दो अंदर दिख रहे हैं दो बाहर दिख रहे हैं, तो दो प्लस दो में अरेंज है, तो ये हो गया कैलिक्स। करोला कैसे हैं चार, ठीक है, एक पेटल्स हैं चार हैं, तो ये चार हैं लेकिन कैसे हैं क्रॉस। देखो यदि अपन देखेंगे, ये अब मैं खींच रहा हूं, देखो अब आप समझ जाना, ये अपन बना चुके हैं, अब अपन खींच देते हैं इसको लाइन को, ये यूं है और ये यूं है, ठीक है, ये यूं है और ये यूं है, तो कैसे अरेंज हो रहा है देखो, यूं और यूं, तो कैसे हैं दो इधर दो इधर, तो क्रॉस लाइक पैटर्न में अरेंज है, तो इसको बोलते हैं क्रूसीफॉर्म करोला। और एंड्रोसियम टेट्राडाइनेमस है, टेट्राडाइनेमस है मतलब देखो दो बाहर वाले छोटे हैं, दो बाहर वाले ये हैं और चार अंदर वाले हैं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं दो इधर और चार इधर, टेट्राडाइनेमस। ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ठीक है, बाइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर। तो ये है एक तरह का फ्लोरल फॉर्मूला, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, फ्लोरल फॉर्मूला। इस तरह से फ्लोरल फॉर्मूला बनाया जाता है, ठीक है। अब अपन इसके इसके कुछ देख लेते हैं जो वो हैं इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्या देखना है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में कुछ है, नंबर एक जैसे सरसों, मस्टर्ड, मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड को बोलते हैं ब्रैसिका कंपेस्टिस, ब्रैसिका कंपेस्टिस, कंपेस्टिस, ब्रैसिका कंपेस्टिस मतलब इससे क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। फिर दूसरा होता है राई, तेल निकालते हैं इसके बीजों से, दूसरा होता है राई, इसका नाम है ब्रैसिका जंसिया, इससे जनरली हम तेल निकालते हैं राई से भी। तीसरा होता है मूली, रेडिस, रेडिस को कहा जाता है रेफेनस सेटाइबस, रेडिस क्या है, रेडिस का वैज्ञानिक नाम है रेफेनस सेटाइबस। इसको आपको पता है, इसको हम क्या करते हैं खाते हैं काय के रूप में, रेफेनस सेटाइबस, सेटाइबम या रेफेनस सेटाइबम, इसको हम क्या करते हैं, इसकी टैप रूट में भोजन संचित रहता है उसको खाते हैं। चौथा अगर देखा जाए तो गोभी है, फूल गोभी यानी कॉलीफ्लावर, और कॉलीफ्लावर और कैबेज, कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर में आता है, फूल गोभी में आता है ब्रैसिका ओलेरेसिया, इसको क्या बोलते हैं ब्रैसिका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया।
ठीक है। फिर होता है कैबेज, कैबेज भी ब्रैसिका ओलेरेसिया, और इसकी वैरायटी जो होती है कॉलीफ्लावर की होती है, ब्रैसिका ओलेरेसिया बॉट्राइटिस, 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 ठीक है। और पांचवा होता है ब्रैसिका कॉलीफ्लावर कैबेज, क्या है, कैबेज, ठीक है, ब्रैसिका ओलेरेसिया, ओलेरेसिया, और इसकी वैरायटी है कैपीटाटा, क्या है, कैपीटाटा। तो इस तरह से ये पांच है, मस्टर्ड, राई, रेडिश, कॉलीफ्लावर, कैबेज, इसका ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है अगर हम पौधों को लिखना हो। तो ये हो जाती है फैमिली ब्रैसिकेसी। अब हम दूसरी फैमिली देखेंगे, मालवेसी। धन्यवाद, आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।